अपना YouTube चैनल कैटेसे कुमार आई लव इंडिया। आप सब लोग कैसे, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। और आज का वीडियो पार्ट टू है। पार्ट टू के अंदर बहुत ही यूनिक कलेक्शन दिखाने वाला हूँ, जो कि मैं बहुत ही बेहतरीन होम मेड काइट्स मैंने तैयार किए हैं और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वीडियो के पर्पज से। तो प्लीज़ आप लोगों से इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो जो ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। बहुत ही मेहनत से मैंने कुछ कलेक्शन तैयार किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को आगे बढ़ा के बिल्कुल मत देखना, इजी तरीके से आराम से देखना, क्योंकि बहुत ही अलग अलग तरीके की मैंने काइट्स कलेक्शन तैयार किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो देर न करके अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले कलेक्शन के तौर पे 3 से 4 दिन पुरानी पतंग है। ये देखिए, ओम नाम की पतंग बनाई है मैंने और ये प्रतीक है भोले बाबा जी का। सबसे पहले पतंग बहुत ज़्यादा कोशिश करने का ये पतंग मैंने तैयार किया है और वर्क देखिए इसके ऊपर। और इसमें जो कागज यूज़ किया गया है अजंता 4.7 यूज़ किया गया है। और कमान देखेंगे बिल्कुल इसमें नज़दीक से, बहुत ही अच्छी कमान चढ़ा रखी है मैंने। बहुत ज़्यादा वर्क आज के टाइम में जो कर रहा हूँ मैं, कमान के ऊपर कर रहा हूँ, गड्ढे के ऊपर कर रहा हूँ, जो भी पतंग के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए पतंग, सबसे पहले कलेक्शन के अंदर जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वीडियो यहाँ से। तो इस पतंग के लिए दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, तो इस पतंग के लिए आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। और ये पतंग बताइएगा कैसी बनी है, गुटाई देखेंगे आपको मेरी सही पतंगों में बहुत ही अच्छी और यूनिक गुटाइयाँ देखने को मिलेंगी। अब दिखाते हैं आपको सेकेंड पतंग, जो कि गौतम बुद्ध जी के ऊपर है। सबसे पहली पतंग तिरंगे पे और गुटाई वक्त देखेंगे, ये खटीमा के ऊपर बनी हुई है और त्रिवेणी कागज के अंदर यूज किया गया है। ये देखिए, उसके बाद ऑरेंज देखिए, फिर वाइट, जो वाइट पतंग ब्लैक के अंदर गौतम बुद्ध जी बने हुए हैं, ये खटीमा पेपर यहाँ पे यूज़ किया गया और यहाँ पे बटर पेपर। वर्क देखेंगे इस पर किस तरीके मैंने यहाँ पे सामान वगैरह पे किस तरीके से काम किया हुआ और यहाँ पे मांग बनाई है, उसको थोड़ा सा लुक देने के लिए। ये पतंग भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और उसके बाद ये देखिए ग्रीन कलर, उसके बाद वाइट कलर। अब इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, जो कि है तिरंगे के, ये तिरंगा भी बन रहा है। और ये जो इसमें थोड़ा सा आपको दिख रहा है, ये वर्क झोल दिख रहे हैं, ये खटीमा आ गया था और सीजन का मौसम है, 2-3 दिन से दिल्ली के अंदर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से ये आपको दिख रहा है। इसमें सीजन की वजह से वैसे पतंग बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। आप इसको थोड़ी सी धूप दिखा देंगे तो बिल्कुल एकदम शीशे की तरह चमक जाएगी। उसके बाद आप ग्लास पतंग, ये देखिए टोकी एक ग्लास बनाया है, गुटाई वगैरह देखेंगे इसके ऊपर और ये खटीमा के ऊपर। इसमें पूरा ही जो कागज यूज़ किया गया है खटीमा पेपर है, ब्राउन कलर का भी जो है खटीमा है, ऑरेंज कलर का भी खटीमा है और यहाँ पे भी खटीमा यूज किया गया है। ये देखिए, ये पतंग बहुत ही अच्छा बना हुआ है और एक सिंपल सोवर और बिगर गुटाई की पतंग है मेरी। ये देखिए मांगदार पतंग है और उल्टी मांग ब्लैक पत्ता है और ये अजंता 4.7 पे यूज़ किया गया और यहाँ पे अजंता 4.3 यूज़ किया गया। ये देखिए पतंग। और दोस्तों आज का जितना भी मैं आपको वीडियो कलेक्शन ही दिखा रहा हूँ, ये खास तौर पे मैं जयपुर लेके जाने के लिए बनाया था, लेकिन जयपुर जाने कोविड के चलते मैं नहीं जा पा रहा जयपुर, तो ये कलेक्शन मैं आपको अपने वीडियो में इस तरीके से शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, इस पर गुटाई वक्त देखेंगे कितना जानदार और कितना अच्छा वर्क है। और आपको मेरी सभी पतंगों के ऊपर इसी तरीके की गुटाई दिखेगी, इसके अलावा मैंने ज़्यादा गुटाई वगैरह यूज नहीं किया, मैंने एक ही अपना बेसिक बनाया है, जो ये गुटाई मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और सबको पसंद आती है इस बिहार पे। ये देखिए मेरे टीम मेंबर्स हैं जैसे राजेश भाई वगैरह, वो भी इस तरीके की पतंगें बना रहे हैं और गगन भाई भी इस तरीके की बना रहे हैं पतंग, कुनार बना रहा है, चंदू भाई बना रहे हैं, तो सब इस तरीके की बना रहे हैं। लेकिन बट मैं जो बना रहा हूँ इस तरीके की पतंग बना रहा हूँ, लेकिन बेसिक मेरा काम कमान चड्डे और घुटाई पर ज़्यादा मैंने वर्क किया हुआ है, तो इस तरीके से मेरी पतंग अच्छी बन रही है। और ये देखिए दो टोकिए बनाए एक जैसे, उस पर घुटाई देखेंगे, ये देखिए इस पर भी घुटाई आपको सेम दिखेगी। और ये देखिए खटीमा पेपर के ऊपर बनी हुई है, ये देखिए ये सब पुराने के मकसद से बनाई गई और बहुत ही अच्छी पतंग है। जिसके भी सामने मैं अपने बैग को खोलूंगा वो इस पर को पतंगों को छोड़ेगा नहीं, जब भी मैं इस पतंगों का बैग खोलूंगा तो वो इस पतंगों को लिए बिना मानेगा नहीं। ये देखिए ये पतंग देखिए, त्रिवेणी कागज लगा हुआ है, अजंता 4.3 कागज
येलो कलर का, और ये लगा अपना खटी मार्केट पर ब्लैक और ब्राउन। ये देखिए ये पूरा चौका है, ये देखिए आप बिल्कुल कमान देखेंगे नजदीक से, ये देखिए कमान एक बराबर है सभी की। ये देखिए कमान वर्क देखिए, इस पर पूरा वर्क देखिए घुटाई का, किस तरीके से घुटाई की गई है। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ पतंग निकाल के, जितनी भी पतंग आप देखेंगे स्टार वाली मेरी ये वाली, इसके अंदर जो मैंने सबसे ज़्यादा खासियत ये रखी है जो स्टार डाला है बिल्कुल कमान के नीचे, ये कमान के बिल्कुल नीचे आपको स्टार दिखेगा, ये देखिए इससे ऊपर नहीं है, ताकि ये वाली जो चोंच है स्टार की आपको इक्वल नजर आए स्टार में। ये देखिए इस पर भी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा मेहनत कर रखी है, ये देखिए आप किसी भी पतंग का देखेंगे स्टार वहीं आएगा कमान के बराबर, ये देखिए बिल्कुल बराबर है। इसको देखते हुए ये स्टार मैंने यहाँ पे लगाया और इस तरीके से वर्क किया, ये देखिए इस तरीके से चौका तैयार किया है। और जितनी भी ये कलेक्शन दिखा रहा हूँ ये चौके के हैं, चार चार का सेट है, चार पतंगों का, इस तरीके से मैंने इस पर वर्क किया है, ये देखिए पतंग। उसके बाद अभी है स्टार रेड कलर चौकी है, ये देखिए घुड़ाई वर्क देखेंगे, और ये भी पूरा चार का सेट है, ये देखिए कहीं से ही पकड़ लीजिए कमान एक ही बराबर आएगी, और बहुत ही अच्छा वर्क किया हुआ मैंने इन पतंगों को, ये देखिए ये पतंगे इस तरीके से बनी हुई है। जब भी ग्राउंड लेके जाऊँ या कहीं भी लेके जाऊँ किसी के सामने भी लग दूँ वो इस पतंगों को लिए बगैर नहीं मानेगा और वो लेके ही छोड़ेगा, इस तरीके के पतंगे तैयार किए हैं, ये देखिए। और ये खुद के लिए तैयार की, आज के टाइम में इस तरीके की पतंगे कोई नहीं बना रहा, बनाए तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और ये लॉकडाउन की थोड़ी सी मेहरबानी है और बहुत ही अच्छी आज के टाइम में मैं पतंग बना रहा हूँ। ये जो बेसिक पूरी पतंग बनी हुई है अजंता 4.7 के ऊपर बनी हुई है, और ये जो कागज यूज़ किया हुआ है त्रिवेणी व्हाइट कलर का, और अंदर खटी में कागज यूज़ किया गया है। और ये देखिए पतंग चौका देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट है, घुटाई वर्क देखिए किस तरीके की है, पत्ते में भी ब्लू कलर इसलिए लगाया ताकि साइड में ब्लैक ब्लू था इसलिए नीचे ब्लू गया है। पतंग देखिए लोच है बिल्कुल, ये सब उड़ाने के मकसद से बनाई थी, ये देखिए जयपुर लेके जाना था बट लॉकडाउन के चलते हुए नहीं जाना हो पा रहा है। ये देखिए ब्लू स्टार है इसके अंदर, और ये पतंग भी बहुत ही अच्छी लग रही है, देखिए घुटाई पर। और इसके अंदर सबसे खासियत ये है, ये देखिए अजंता कागज के ऊपर बनी हुई है, और सीलन के मौसम के अंदर इसके ऊपर हल्का सा भी सीलन का कोई नामो निशान नहीं है। और पतंग देखिए कितनी लॉस है, दौड़ा दाड़ी की पतंग है, जहाँ मर्जी लड़ाइए जिस तरीके से भी लड़ाइए आपको मजा लेके जाएंगे पतंग। ये देखिए सबसे खासियत ये डाली है मैंने पतंग के अंदर, क्योंकि ये पुराने के मकसद से पतंगे बनाई है, आज के टाइम में कोई भी कारीगर इतनी जल्दी से पतंगे नहीं बना रहा है। बहुत ही मेहनत और बहुत ही ज़्यादा वर्क किया मैंने इन पतंगों के ऊपर। और ये देखिए पीछे से भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पीछे से भी जोड़ देखेंगे एकदम बराबर सटीक, किसी भी पतंग का जोड़ देखेंगे सब एक जैसे जोड़ लगे हैं पीछे से, बहुत ही ज़्यादा वर्क और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद ये फैशन मैंने तैयार किया अपने वीडियो को। तो इस वीडियो के लिए प्लीज़ दोस्तों आप एक बार लाइक ज़रूर ठोक देना कि आपको मेरा वर्क और मेरी पतंगें आपको कैसी लगी। और ये देखिए तिरंगा टोकी के अंदर, और ये देखिए ये भी खटीमा पे बनी हुई है, और अजंता लगा हुआ है ग्रीन कलर का, और खटीमा लगा हुआ ऑरेंज कलर का, और अजंता 4.7 ब्लू कलर का स्टार लगा हुआ है। ये देखिए पतंग, इस पतंगों में भी देखेंगे कमाने, देखिए बहुत ज़रा टाइट पतंग है, इसमें भी पत्ते का मैंने बिल्कुल ध्यान किया है, ब्राउन कलर साइड में था तो पत्ता भी ब्राउन कलर का ही दिया है, इसमें कुछ अलग अलग तरीके के डिजाइन ये चिपक हुए हैं। यहाँ पर से चिपक गई है, ये देखिए, और ये कुछ इस तरीके से चौका है, ये इस तरीके से चौका मैंने चार पतंगों में साइड तैयार किया है। उसके बाद आते हैं रेड कलर पे, ये देखिए इसमें बुनाई नहीं की है, एक साइड मैंने बगैर बुनाई के भी देखा था चेक करके कि किस तरीके से लग रही है, ये देखिए इसमें भी लॉस है, ये देखिए
बहुत ही टाइम से बहुत ही प्यारा वर्क करके और बहुत ही नॉर्मल तरीके से खत्म किया है हमने, और बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग की है। सबसे ज़्यादा पतंगों के ऊपर ये देखिए, इस पतंग पे वर्क देखेंगे मोटाई है, ये देखिए इसमें लगा हुआ है यहाँ पर आपका, इस पतंग पे वर्क देखेंगे बहुत ही अच्छा लगा हुआ है। और ये अजंता 4.7 के ऊपर है, स्टार देखेंगे 4.3 है, और नीचे फटीमा पेपर का यूज़ किया है जो कि ब्राउन कलर का है। ये देखिए ये सेट देखेंगे, एक सेट ये सब किस तरीके से मैंने छोटे किया है, अलग अलग तरीके के पतंग। उसके बाद आते हैं जो भी मैं अपने वीडियो में एक बार पहले भी आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ, ये पतंग ये देखिए उल्लू वाली पतंग है, ये भी एक डिजाइन इस तरीके का बनाया था बिल्कुल यूनिक। ये भी मेरा कुछ अलग से कलेक्शन है, कुछ इस तरीके की पतंग है, दो इस तरफ हैं और दो उस तरफ हैं। आपको दो ये उधर से देखेंगे लेफ्ट में है यहाँ पर, और इधर से देखेंगे तो ये राइट में है, ये देखिए राइट एंड लेफ्ट में है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये दोनों साइड में रहेंगे, और ये पतंग देखेंगे ये इसके अंदर बटर पेपर यूज किया गया, और ये अजंता 4.7 के ऊपर बनी हुई मोटाई पर देखिए। उसके बाद आती है ये देखिए टोपी बनाया है मैंने, बहुत ही ज़्यादा टाइट पतंग है जैसे कि मुझे पसंद है उड़ाना। ये देखिए वर्क देखेंगे पतंग के ऊपर, कमान देखेंगे किस तरीके से आई हुई है, देखिए कमान देखेंगे बहुत ही अच्छी कमान बैठाई है मैंने इस पतंग पे, और ये डिजाइन मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए इसकी भी कमान देखेंगे, ये देखिए आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ पतंगे ऊपर, और बहुत ही अच्छी पतंगे बन रही है, ये देखिए दोस्तों। उसके बाद ये देखिए चार खाने वाली गुटाई है, अजंता 4.7 के ऊपर बनी हुई है ये पतंग, और ये देखिए। उसके बाद ये मांगदार है जो कि मैं एक बार दिखाएगा आपको, और ये देखिए बड़े फरमे की पतंगे हैं, फरमा सबके एक ही यूज़ किया गया है इनमें, जितने भी डिजाइनदार पतंगे हैं मैंने यूज़ किए हैं फरमा, वो बड़े फरमे के ऊपर बनी हुई है। उसके बाद ये देखिए ये पतंग बहुत ही अच्छी बनी हुई है, देखिए सिर्फ ऐसे ही बनाई थी टाइम पास करते हुए, और बहुत ही सफाई से बनी हुई है। अजंता 4.7 लगा हुआ है इसके अंदर कागज, और अंदर खटीमा पेपर लगा हुआ है, ये देखिए पतंग देखिए बहुत ही ज़्यादा उमदा और लॉज पतंग है, मैं बहुत ही ज़्यादा है, और लगी मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने पुरानी पतंग है, और उस पर गुटाई वर्क देखेंगे आप, ये देखिए सफाई देखिए पतंग के अंदर, ये सूखी हुई है नीचे रखी हुई है पतंग, इस वजह से उसमें आपको सिलन वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा, और पतंग देखिए कितनी साफ बनी हुई है। इसमें सफाई का कारण एक और भी है, इसमें अजंता 4.7 है जो कि सिलन नहीं आने दे रहा है, कहीं भी इसमें जोड़ नहीं है ज़्यादा, इस वजह से जहाँ जोड़ है वहाँ पे अजंता का पेपर यूज़ किया है, इसलिए इसमें ज़्यादा ब्यूटी आ गई है, देखिए। और ब्यूटी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ तरीके की पतंगें बनाई, और आज के टाइम में जहाँ पे मैं अपनी पतंग का बैग खोल दूँ ना वो मेरी पतंगें छोड़ेगा नहीं, ये पतंग गुटाई देखेंगे इन पतंगों में, ये देखिए गुटाई देखिए पास से बर्फी वाली गुटाई है मैंने, ये क्या कमान देखेंगे इस पर, ये देखिए कमान, ये भी पूरा चार का सेट है, चार पतंगों का, किसी भी पतंग का देखेंगे कमान डटा, किसी भी पतंग को देखेंगे बहुत ही अच्छी बनी हुई है पतंग। और दोस्तों ये है मेरी कलेक्शन जो कि स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक और इसके अंदर भी थोड़ा सा ज़्यादा वर्क और ज़्यादा मेहनत की गई है इन पतंगों के ऊपर, और ये वन टू वन दिखाएंगे आपको, इनमें से कुछ पतंगें मैं उड़ा चुका हूँ, गुटाई देखेंगे इसके ऊपर, सबसे पहले मेन काम जो कि शीशे की तरह चमक रही है, और ये खटीमा पेपर के ऊपर यूज़ है,
पतंग पूरी और ठंडे देखे, बहुत ही हैवी लगा रखा है मैंने इसमें ठंडा, बहुत ही ज़्यादा वैसे पतंग है, बहुत ही ज़्यादा भारी पतंग है ये। और ये आगे के मतलब कि 2000 गज की रेंज पे लड़ाई है, 1500 गज के रेंज पे लड़ाई है, तब जाके ये पतंग काम करना स्टार्ट करेगी। इस तरीके की पतंग ये बनाई है मैंने। ये कुछ पतंग है, मैं बीकानेर गया था लड़ाने के लिए, तब मैंने उड़ाई थी और उस पतंग में बहुत ही अच्छा वर्क किया था, जिससे मैंने 5 पेज भी काटे थे और वो टूट के चला गया। उसके बाद इसी के साथ का है, ये देखिए टूट गया, ब्लैक कलर का खटीमा अंदर भी खटीमा यूज किया है और यहाँ पे पिंक कलर का पेपर जो यूज किया गया, ये देखिए त्रिवेणी कागज है, त्रिवेणी का यूज किया गया है, ये देखिए ब्लू कलर में। और दोस्तों आज का कलेक्शन मेरा कैसा लगा प्लीज लाइक जरूर करना, कलेक्शन आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरा कलेक्शन किस तरीके का है और आपको कितनी पसंद, कौन कौन सी पतंगे ज़्यादा अच्छी लगी। गुटाई पर देखेंगे, चार खाने की गुटाई है इसके, अजंता 4.7 के ऊपर बनी हुई है ये देखिए। और ये बड़े फर्मे की पतंग है, गोल फर्मा, ये देखिए कलर देखेंगे कितना अच्छा है, ये देखिए गुटाई वर्क भी आपको नजर आ रहा है पतंग के अंदर, गोल फर्मा बना हुआ है और इसके अंदर जो कमान लगी हुई है 34 इंच की कमान है और खड्डा 23.5 इंच का खड्डा यूज किया गया है, जो कमान है इसमें 34 इंच की कमान लगी हुई है, ये देखिए। इस फर्मे पे मैंने सिर्फ 4 पतंग ही बनाई थी जिसमें कि 2 मैं उड़ा चुका हूँ टेस्टिंग के लिए और उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया और उनमें से 2 बच गई। और ये हमारे राजेश भाई हैं जो आज के टाइम में बहुत ही अच्छी पतंग बना रहे हैं, ये उनकी गिफ्ट दी गई पतंग है और इस चीज़ के लिए मैं उनको थैंक यू करना चाहता हूँ और राजेश भाई के लिए भी एक लाइक कीजिएगा। ये उनकी पतंग है तरंगे की और बहुत ही अच्छी पतंग है, वो ड्राइवर देखेंगे इस पर। इसे 5 किलो खटीमा यूज किया गया है और ये देखिए 5 किलो खटीमा पे ये पतंग बनी हुई है और इनके पास भी त्रिवेणी कागज है जिस पर इन्होंने पतंगा बनाया है। उसके बाद आता है फूल वाली पतंग, स्टार्ट किया था मैंने कुछ अलग सा यूनिक डिजाइन बनाने की कोशिश की थी बट बना है एक ही पतंग बना पाया, बहुत ज़्यादा समय लग गया था। ये देखिए आज के टाइम में इस तरीके का वर्क कोई भी नहीं कर रहा है पतंग के ऊपर। और ये गांठदार पतंग है सबसे पहली और ये जो कमान छटे यूज़ किए हैं जब दशहरे का टाइम था रावण बनाने के लिए जो लकड़ी है उसकी यकीन उस कमान छटे से ये पतंग मैंने तैयार की है। ये मेरे कुछ कलेक्शन में शामिल है और उसी के साथ ये भी सेम ही है, ये देखिए बहुत ही मेहनत लगी है उस डिजाइन को बनाने के अंदर मुझे, लेकिन मज़ा आया पतंग देखने में। इसमें भी सेम ही कमान टट्टा लगा हुआ है गांठदार और ये मेरी फर्स्ट पतंग है जो मैंने अपने हाथ से गांठदार पतंगे बनाई है, इसमें दोनों साइड गांठे हैं और प्लस ठट्टे में भी गांठ है, जहाँ पे कन्ना बांधना है मैंने वहाँ पर गांठ रखी है। इसमें ये जैसे यहाँ करना डालना तो यहाँ पे गांठ है और लोज ये मैंने उसी जगह रखी है ताकि अपना वर्क प्रॉपर कर सके और मैं इस पतंग से कुछ सीखूँ किस तरीके की पतंग उठाई है। और इसमें भी ये देखिए एक पतंग प्लेन तो गया है, नया डिजाइन है और ये देखिए बटर पेपर पर बनी हुई है। उसके बाद आती है चौड़े फर्मे की स्टार वाली पतंग, ये देखिए ये पतंग भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, ये देखिए इस पर वर्क बहुत ही अच्छा किया गया, स्टार नॉर्मल स्टार है ब्लू कलर का और खटीमा पेपर पे स्टार लगा हुआ है रेड कलर का खटीमा यूज किया गया। उसके बाद आता है खटीमा से वाइट कलर का स्टार ब्लू कलर की पट्टी है, एक डिजाइन और ये देखिए गुटाई वर्क इस पर भी सेम ही आपको दिखेगा, 4 खाने वाली गुटाई में दिखा पतंग भी आपको दिखेगी। इस चीज़ के लिए भी एक लाइक बनता है और ये देखिए ये बहुत ही आगे उड़ाने के मकसद से पतंग बनाई गई है और मेरी किसी भी पतंग का जोड़ नहीं खुलने का, इतनी सफाई से जोड़ बनाया है और इसमें थोड़ा सा गैप रखा है ताकि इसका मार्जन दिया जाए कमान के अंदर, ये देखिए मार्जन इस तरीके का मैंने रखा है कागज से तो आप इजीली तरीके से इसको चिपका लें और इसे कहीं भी लड़ाइए, इसमें टेपिंग भी कर लेंगे तो भी लोग बेस्ट रहता है लेकिन ये जोड़ नहीं खुलेंगे, गारंटी है इस बात की जोड़ नहीं खुलेंगे क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा आधा आधा इंच का गैप रखा है। कई लोगों जो कम मार्जिन लगते हैं और जोड़ खोल जाता है तो इस चीज़ पे मैंने थोड़ा सा वर्क करके देखा कि मार्जिन देने से क्या होता है तो ये पतंगें अच्छी लड़ेंगी। और ये कोशिश की थी एक पतंग बनाने की, थोड़ा सा यूनिक डिजाइन था उसके ऊपर लेकिन ये बन गई भाई
लेकिन ये पतंग भी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। उसके बाद आते हैं नंदेड़ घाट पे, ये पतंग देखिए साइज पूरा है, फर्मा पूरा है, 26.5 की साइज है इसका और 23.5 का खट्टा है, कमान का 26.5। ये पतंग देखिए लंबे फर्मे पे है। उसके बाद ये देखिए एक और लंबे फर्मे पे पतंग, पट्टीदार टोपिया बनाया है। ये देखिए दोस्तों खटीमा कागज यूज किया गया है, और ये देखिए अजंता पेपर यूज किया गया क्रीम कलर का, और उसके बाद त्रिवेणी कागज पिंक कलर का। ये पतंग भी ये देखिए बहुत ही अच्छी पतंग है, और ये देखिए पतंग खटीमा पेपर के ऊपर है, और अंदर जो लगा हुआ है अजंता 4.3 का कागज है ग्रीन कलर का, और ये भी 4 का सेट है जिसमें से एक पतंग मैं उड़ा चुका हूँ। ब्लू कलर के कागज पे बनाया, पत्ता ब्लू कलर का रखा था कि देख के एक बार चेक किया जाए किस तरीके की पतंग लग रही है। इसलिए 2 पे ब्लू कलर का पत्ता लगाया था और 2 पे ग्रीन का, जिसमें कि मैं एक उड़ा चुका हूँ। उसके बाद ये जो नॉर्मल से डिजाइन है प्लेन पतंग है, स्टार टोपिया डाल के, और ये देखिए 4 खाने वाले कुटाई, ये भी टोपिया है, और ये देखिए पट्टीदार, आज के टाइम में हर कोई पसंद करता उड़ाना, ये 4 खाने की कुटाई है इस पर भी, और ये कुछ उड़ाने के मकसद से तैयार की हुई पतंग है। ये प्रॉपर टेपिंग वगैरह कर रखी थी और ये उड़ा रहा हूँ मैं आज के टाइम की पतंग, और बड़े फर्मे की पतंग है, और इसमें जो कमान लगी हुई है 35.5 इंच की कमान लगी हुई है, 23.5 का खट्टा लगा हुआ है। और दोस्तों ये देखिए कुछ इस तरीके की पतंगे हैं जो कि मांगा है मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आने वाली है पार्ट 3 के अंदर, तो मैं अपने जो पार्ट 3 के अंदर जो कलेक्शन दिखाऊंगा आपको सिर्फ मांगदारे पतंगे दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे इस तरीके की आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। ये देखिए अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो दिखाने वाला हूँ इन पतंगों में जो पार्ट 3 होने वाला है, वो भी मांगदार पतंगों के ऊपर। पार्ट 2 दिखाया मैंने आपको टोपी के पतंगे ऊपर और स्टार वाली पतंगे ऊपर, अब जो मैं पतंगे आपको दिखाऊंगा इस तरीके के पतंगे नेक्स्ट वीडियो में आने वाली, तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और दोस्तों आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कैटेजय कुमार आई लव माय इंडिया। दोस्तों आज का जितने भी कलेक्शन मैंने आपको दिखाया पार्ट 2 के अंदर आपको कैसा लगा, कोई भी चलती हो या किसी तरीके का डिज़ाइन आपको पसंद आया तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं डिज़ाइन का और वीडियो बना सकता हूँ, और जिस तरीके की मेरा कलेक्शन आपको दिखाया है तो प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताना कि मेरा आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अजय कुमार आई लव माय इंडिया। थैंक यू सो मच दोस्तों।